भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं देहरादून में भी रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए तरह तरह की राखियां बाजारों में उपलब्ध हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंडितों की माने तो 30 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार पर भद्रा का प्रभाव होने से ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। पंडित शशि वल्लभ शास्त्री की माने तो भद्रा 30 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर रात्रि 10 बजे तक है, इसलिए इस काल में रक्षाबंधन नहीं मना सकते। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। पूर्णिमा 31 तारीख को शुरू हो रही है और भद्रा का असर भी खत्म होगा, इसलिए ये त्यौहार 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अपनेश गुप्ता की रिपोर्ट। व्यापार के हिसाब से तो ऐसा है जी, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अब जो बारिश का कारण है वो तो है ही है, साथ में इस बार बीमारियां बहुत है, डेंगू भी है हमारे यहाँ शहर में, चल रहा है आई फ्लू चल रहा है, तो कस्टमर उस हिसाब से बाहर निकल नहीं पा रहा है। और जब देखो एक घंटे बाद बारिश, तो बारिश तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है। और कुछ थोड़ा बहुत इस बार त्यौहार के भी 2 दिन हो रहे हैं, डिसाइड नहीं हो पा रहा किस दिन है किस दिन नहीं, अभी भद्रा है क्या है, पंडितों का हमारा सीन समझ नहीं आता इस चीज़ के लिए। कितना असर पड़ रहा है व्यापार का देखा जाए? इस बार काफ़ी कम है पिछले के, हर साल के मुकाबले इस बार काफ़ी कम है। हमारे उत्तराखंड के अंदर पूरे और वैसे तो समस्त भारत में और विदेशों में भी रक्षाबंधन का जो है त्यौहार ये मनाया जाता है। तो भगवान की कृपा से ऐसा है कि 30 तारीख को जो भद्रा है ना, जो भद्रा जो 30 तारीख को जो है भद्रा लगी है, तो वो जो है सुबह जो है 10 बजे से लग के रात के जो है 9:30-9:10 बजे तक की भद्रा है। पर भद्रा में क्या उससे पहले जो है पूर्णमासी लगी नहीं है, तो पूर्णमासी में जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। ये भी कारण बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि भाई भद्रा तो जो है 10 बजे से पहले है नहीं, 10 बजे से पहले नहीं है, तो उसका कारण ये बना है, तो उसमें पूर्णमासी भी तो नहीं है। तो मेन ये होता है कि पूर्णमासी के मुहूर्त में ही जो है, कहने का मतलब जो है ये भद्रा का जो है दोष जो है माना जाता है। और